आज मैं आपको दिखाऊंगी दाल फ्राई जो फर्स्ट टाइम इन इंडिया हम लॉन्च कर रहे हैं। अभी तक ऐसी दाल आपने कहीं नहीं देखी होगी कि इस दाल में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है और कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं डाला हुआ। इसमें वही डाला हुआ जो आपके किचन में अवेलेबल होता है। देख सकते हो ये दाल है, इसमें सिर्फ हमने रोस्ट किया है और तड़का लगाया है। अब हम दिखाएंगे कि ये कितनी जल्दी बन जाएगी। और ये दाल ऐसी है कि जो हर एक बंदा खाता ही खाता है, हर हर के मुंह की। इसमें करना क्या है, थ्री इजी स्टेप्स हैं। इसमें आपको सिर्फ 2 चम्मच देसी घी डालना है। उसके बाद सपोज आप 3-4 लोग हो तो आपको 1 कटोरी लेनी है। ये देखिए 1 कटोरी हमने ये दाल ली और 1 कटोरी का या तो 3 गुना या 4 गुना पानी लोगे, मतलब डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा गाढ़ी खाते हो तो आप 3 करो, नहीं तो 4। अब ये क्या किया हमने, ये 1, 2, 3। मैं 3.5 ले रही हूँ कि इतना ज्यादा पतली रहेगी और ना गाढ़ी, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना। अब इसके बाद हम इसमें 4 विसल लगवाएंगे। जनरली अब आप सोच रहे होगे कि 4 विसल क्यों, आप अरहर की दाल तो ऐसी होती है जो 1 सीटी में बनती है। बट इसमें हमने क्या किया है, प्रिजर्वेटिव तो डाले नहीं, हमने इसको रोस्ट किया, तो रोस्ट के कारण ही थोड़ी हार्ड हो जाती है और उसी कारण इसमें हमें 4 सीटी लगानी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा ये कलर है, जैसे आप डेली घर में बनाते हो, कुछ भी ऐसे एडिड नहीं है। अब हम इसमें बस इसको बंद कर देंगे और अब हम इसका वेट करेंगे 4 सीटी आने। अभी 1 बज्जा है, ये धो दो, ये दूसरी दो मुझे। ये हमारी दाल बिल्कुल रेडी होगी जैसे आप अपने घर में बनाते। जैसे धनिया एडिड है इसमें, बट हम फिर भी थोड़ा सा इसमें धनिया डालेंगे, हरी मिर्च और 1 चम्मच और इसमें हम देसी घी डालेंगे। रेडी है, अब ये हमारी दाल फ्राई रेडी है।